रहे हैं द फुलझड़ी। भारत के अरुणाचल प्रदेश पर चीन की हमेशा से ही नजर रही है। चीन ने भारतीय इलाकों पर कब्जा करने के कई मंसूबे भी बनाए हैं। इस बार ड्रैगन ने भारतीय इलाकों पर गांव बसाना शुरू कर दिया है, यह दावा अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया है। पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित हिस्से में 100 घरों वाला एक गांव बसाया है। इस रिपोर्ट को लेकर अब भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने जवाब दिया है। क्या कहा गया है भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान की ओर से? भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने अमेरिकी रक्षा विभाग का जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में विवादित सीमा पर गांव के निर्माण वाले क्षेत्र पर बीजिंग का 1959 से कब्जा है। हालांकि सी संबंध में एक तथ्य यह भी है कि तसारी चू नदी के तट पर जहां 100 घरों का गांव बसाया गया है, भारत उस क्षेत्र पर अपना अधिकार मानता है। एक मीडिया रिपोर्ट में सेना के एक अधिकारी ने कहा कि बसाए गए गांव की जगह को भारतीय सेना चीन के कब्जे के रूप में मानती है, इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में 1959 में एक ऑपरेशन में असम राइफल्स की चौकी पर हमला कर कब्जा किया था और उस चौकी पर कब्जा कर ड्रैगन ने उस इलाके में गांव बसा दिया। इस क्षेत्र में चीन ने सेना की एक चौकी बना रखी है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस क्षेत्र में इस तरह का निर्माण अचानक नहीं किया गया है, बल्कि लंबे समय से यह हो रहा है। इस संबंध में चीन पिछले कुछ सालों से पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ 628 जिया ओकांग मॉडल सीमा रक्षा गांव का निर्माण कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि इनमें से कई गांव LAC के चीनी क्षेत्र में है और कुछ विवादित क्षेत्र में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। अमेरिकी रक्षा विभाग की इस रिपोर्ट पर चीन का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में विवादित क्षेत्र में 100 घरों की पुष्टि को लेकर चीन ने इसका पूर्णतया खंडन किया है। बता दें कि चीन ने 2019 की सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी और कहा था कि विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया गया। फिलहाल चीन की साजिशों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारत भी तेज गति से बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, जिसमें पुलों और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।